बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सक्षम 2021 अर्थात संरक्षण क्षमता महोत्सव वन मंथ लॉन्ग कंपेन ड्राइव दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट अंडर द बैनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एनर्जी फ्यूल एनर्जी को बचाने का विषय है इसके गर्भ में दो बातें बड़ी साफ साफ हैं जो मुझको लगता है वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत मैं एक बात कहना चाहूंगा सबसे पहले कि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि पूरा कॉस्मस पूरा ब्रह्मांड 92 बेसिक एलिमेंट से बना है जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है आयरन है एक्सेट्रा एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन डिस्ट्रिक्टिबल ये अविनाशी तत्व हैं इनका विनाश नहीं होता है लेकिन आज 20वीं शताब्दी के बाद वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि ये सभी जितने प्रकार के तत्व हैं 92 प्रकार के जितने भी एनर्जीज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल एनर्जी एक ही एनर्जी के द्वारा इनका प्रतिपादन होता है चाहे वह फिर सोलर एनर्जी हो चाहे वह न्यूक्लियर एनर्जी हो चाहे वह स्प्रिचुअल एनर्जी हो और चाहे वह फ्यूल एनर्जी हो ये सभी ऊर्जाएं एक ही स्रोत से आती हैं ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए वाइल्ड टॉकिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एनर्जी एंड प्रिपेयरिंग दी कंट्री कंट्री पीपल फॉर ऑल दैट इट इज इम्पेरेटिव इट इज बाउंडिंग दैट वन शुड कंसीडर दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज एनर्जीज आर इंटरकनेक्टेड ये सभी प्रकार की ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं ड्यूलिज्म इज एन अल्यूसम ये जो द्वैत होना है कि ये अलग एनर्जी है ये अलग एनर्जी है ये भ्रम है रियलिटी इज नॉट ड्यूअल बट वन वास्तविकता जो है वो द्वैत नहीं है वो वास्तव के अंदर एक है इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जितनी एनर्जीज़ हैं हम चाहते हैं कि वो एनर्जीज़ इजी बने इफेक्टिव बने एफिशिएंट बने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए क्यों होना चाहिए इसलिए होना चाहिए कि दिस विल प्रोटेक्ट नेशनल इकॉनमी दिस विल प्रोवाइड हेल्दी टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दिस विल रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल एंड दिस विल सस्टेन द इको सिस्टम एंड टू कैपिटल सबसे बढ़कर जो बात होगी इट विल टेक अस लीड अस टू ए वे ए पाथ ऑफ लाइफ जहां पर सेल्फ डिपेंडेंस होंगे हम आत्म बन जाएंगे आत्मनिर्भरता चाहिए We are far interdependence, of course, no doubt, but self dependence is must so that nobody should exploit nobody else. One in all, all in one, that is one Bharat Sreshta Bharat. Isliye, is I would request on this day and appeal, make a fervent appeal, ardent appeal to the farmers, to the youth, to the students to the lpg consumers to the drivers to the industrial units to the social media platforms everything else they should be one they should come together chalk out different types of activities say talks say debates cycle rally etc so many things can be checked out so many things can be thought of so that this burden this ecosystem this equilibrium this uh, uh, equanimity, uh, this peace and harmony of the nature with the society, with the humanity, with the world at large should sustain. For that, it is very essential that optimum utilization of this energy should be done. After all, energies are nothing else but one source, they are coming from one source. I would like and I would request uh, one and all. One in all and all in one, that we should come forward and take up the puzzles to meet this challenge. Rather, I would call it Petroleum Challenge and Research Association. We should chalk out activities in such a fashion that the burden, the state exchequer, should be diminished to the extent that I become self-dependent. Atam Mirbar Bharat. एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दी है उसको चरितार्थ करने के लिए ये संरक्षण क्षमता महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी उपक्रम है मैं अपनी कैपेबिलिटीज को कैपेसिटीज को जानता हूं ऑल दी डिसऑर्डर कैन बी डिस्पेल्ड बिकॉज आई कैन पुट माई लाइफ इन ऑर्डर आई कैन बी एट ईज थ्रोइंग अवे ऑल दी डिस मेरे में ये क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ सब डिसऑर्डर्स को सब डिजीजेस को प्रे कर सकता हूँ तो क्यों नहीं हम सब मिलकर आफ्टर ऑल वी आर वन सब मिलकर इस कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एनर्जी को इतना कम कर दें कि भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाए इसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम धन्यवाद